दार्चुला क्षेत्र के खेला ग्राम के ग्रामीणों ने आज खेला गरगवा मोटर मार्ग सड़क का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 2-3 साल पहले गांव की सड़क का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन समय समय पर कार्य बंद होता रहा। इसी कारण ग्रामीणों को आवाजाही करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तो खेला क्षेत्र की जनता मुख्यालय पर पहुंचकर इस आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र करेगी। हम खेला ग्राम की तहसील धारचुला से खेला ग्राम की सारी महिलाएं यहाँ पर आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मांग को लेकर आए हैं, जो कि आज से 2-2.5 साल पहले शुरू हो गई थी। उसका काम 2 महीना चलता है और बीच में बंद हो जा रहा है। इससे गांव की जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आज 50 साल पहले भी वही समस्या थी, आज भी वही समस्या है। इसलिए हम सरकार से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे गांव की रोड का कार्य सुचारू रूप से शुरू किया जाए, अन्यथा शुरू नहीं होगा, 10-15 दिन के अंदर में ये कार्य शुरू नहीं हुआ तो हम अपने परिवार को बच्चों को लेकर यहाँ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में धरना प्रदर्शन अनशन करेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। देखिए 2 किलोमीटर तक सड़क कट चुकी है, आगे की सड़क कटने का कार्य नहीं चला है। जैसा कि अभी तक सड़क पूरी हो जानी चाहिए थी, परंतु 3 महीने से कार्य रुका हुआ है और इस पर विभाग व जिला उप जिला अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से नीरज कुमार की रिपोर्ट।